वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 का 7 तक कंप्लीट कर चुके थे और इस वीडियो में हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन से आगे की तरफ सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो फ्रेंड्स आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से हमारी वीडियोज़ देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं 8 का 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, दिया हुआ है 8 का 8 नंबर क्वेश्चन, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इक्वल टू पाई प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग इजिली करेंगे। कैसे करेंगे, तो सबसे बेटर रहेगा कि ये साइन को हम लोग कॉस में बदल सकते हैं। बता दें कैसे बदलना है, तो आप इजिली बदल लीजिएगा। और कॉस इनवर्स ये जो बदलिएगा तो कॉस इनवर्स एक्स और ये कॉस इनवर्स वाई, प्लस वाले फॉर्मूला पे अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद इसको आगे चलकर कॉस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इजिली आ जाएगा। ठीक है, या आप चाहें तो साइन में भी इसको, इस कॉस को साइन में बदल सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा है वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इजी बता रहे हैं कि कैसे इजिली हो जाएगा। तो चलिए हम पहले इसको कॉस में बदल दें। तो इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ना, चलिए यहाँ पर बना देते हैं। चलिए ये देखिए, इस एंगल के लिए चलते हैं। तो साइन के लिए क्या होता है, तो होता है परपेंडिकुलर भाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। परपेंडिकुलर जो है वो 12 हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो गया 13। तो अब यहाँ से अगर आप बेस निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ऑन रूट 13 का स्क्वायर यानी कि 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 यानी कि कितना आ जाएगा, ऑन रूट 25 यानी 25 का 5 हो गया। तो ये आ गया 5। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब चलिए अब हम लोग करते हैं क्या, 5 तो आ गया, अब इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोगों का कॉस इनवर्स। कॉस के लिए क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि 5/13 हो गया, प्लस इसको इसी तरह रखेंगे कॉस इनवर्स 4/5। ठीक है, कॉस इनवर्स 5/13 और प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16। ठीक है, LHS से चल रहा है। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा LHS, RHS में पाई लाना है, इसको यूटिलाइज कर देते हैं, याद रखिएगा कि पाई लाना है। चलिए अब इसको अप्लाई कीजिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई वाले फॉर्मूले पे। तो देखिए हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई यानी कि 5/13 इंटू 4/5 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई के जगह पे 4/5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 10 इनवर्स 63/16 हो गया। चलिए आगे चलते, तो देखिए हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा 20/65। ठीक है, 20/65 हो जाएगा माइनस, इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 30 का स्क्वायर 169 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16/5 का स्क्वायर 25। काफ़ी इजी चैप्टर है। ठीक है, प्लस 10 इनवर्स 63/16 हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए हो जाएगा कॉस इनवर्स 20/65 माइनस, यहाँ LCM ले लेते हैं तो 169 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 169 ही आएगा, 169 में से 20 जब 25 माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 144 हो गया इंटू ये हो जाएगा इसका LCM 25, ये भी 25 माइनस 16 होगा तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, 25 माइनस 16 कीजिएगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ से प्लस ये कर देते हैं 10 इनवर्स 63/16। अब चलिए आगे चलिए देखते हैं कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा 20/65 माइनस, यहाँ देखिए स्क्वायर रूट निकालिएगा, 144 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 12 बटा ये 169 का 30 इंटू 9 का स्क्वायर रूट 3 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, प्लस ये हो गया 10 इनवर्स 63/16। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते क्या है कि कुछ पार्ट्स को इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए अगर आप नोट करते हैं तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ से कुछ पार्ट्स को इरेज कर देते हैं। चलिए अब यहाँ से चलिए देखिए, यहाँ हो जाएगा हम लोग का, देखिए हो जाएगा कॉस इनवर्स 20/65 माइनस, ये जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 36, ऊपर को हो जाएगा 36/55 यानी 65 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 10 इनवर्स 63/16। यहाँ देखिए हो जाएगा कॉस इनवर्स, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो आप
ऊपर में इजिली माइनस कर सकते हैं। तो 20 में से जब 36 माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 16, बट्टा में आ गया 65। प्लस ये हो गया 10 इनवर्स 63/16। चलिए इसे इरेज कर देते हैं। अब चलिए इसके लिए एक अलग से ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बनाएंगे क्या, इसी में हम समझ लेते हैं इसको इरेज करके। चलिए देखिए, यहाँ 10 के लिए क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या ये है, यानी कि 63 हो गया और ये बेस 16। तो हाइपोटेनस निकालिएगा, जब हाइपोटेनस निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे ना, जब इसका स्क्वायर दोनों का जोड़िएगा उसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो वो जो है आपका 65 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इस टेन इनवर्स को इसके अकॉर्डिंग तो हम लोग सब निकालिए, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। अब इसको कॉस इनवर्स में बदल देंगे। अब देखिए एक और फॉर्मूला होता है यहाँ पे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पे अप्लाई होगा ना, कॉस इनवर्स माइनस एक्स के फॉर्म में, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। पाई माइनस ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का, यानी 16/65। प्लस इसको कॉस में बदल दिया गया तो हो जाएगा कॉस इनवर्स। कॉस के लिए क्या आता है, तो बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या है 16 और हाइपोटेनस 65। अब देखिए यहाँ माइनस का कॉस इनवर्स 60/65 और प्लस का कॉस इनवर्स 60/65 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा पाई जो कि हम लोग को आरएचएस में लाना था। तो ये हुआ हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए इसे इरेज करते हैं और जो है 8 का 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि यूज है कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए 8 का जो 9 नंबर क्वेश्चन है, देखिए दिया हुआ है 2 sin inverse 3/5 इक्वल टू लाना है 10 inverse 24/7 लाना है। तो चलिए करते हैं, तो LHS से चलते हैं, 2 sin inverse 3/5। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है 2 sin inverse x बराबर होता है, वो होता है sin inverse 2x into √1 - x2। ठीक है, ये होता है, इस पर अप्लाई कर दीजिए और बाद में साइन इनवर्स में आ रहा है ना, ये बाद में हम लोग 10 में कन्वर्ट कर दें। तो देखिए यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 2x, 2x का पे 3/5 इंटू √1 - x2, 1 - 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हो जाएगा साइन इनवर्स, ये देखिए 3 × 6/5 इंटू √ ये हो जाएगा 1 - 9/25। देखिए हो जाएगा साइन इनवर्स 6/5 इंटू √ एलसीएम ले लीजिए 25 हो जाएगा, 25 - 9 कीजिए तो 16 आ जाएगा। देखिए हो जाएगा साइन इनवर्स 6/5 इंटू 16 √4, 25 √5। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स 24, ठीक है, साइन इनवर्स 24/25 आ जाए। ठीक है, साइन इनवर्स 24/25। अब चलिए इसको 10 में बदलते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। हाँ, इसके लिए देखिए साइन के लिए क्या था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ये हुआ यानी कि 24, इस एंगल के लिए चलते हैं, और हाइपोटेनस ये हो गया 25। अब बेस निकाल लीजिए, तो बेस जब निकालिएगा तो बेस जो है इसका 7 आ जाएगा। कैसे निकालें, तो √25 का स्क्वायर कीजिएगा, -24 का स्क्वायर कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा, तो ये आ जाएगा √49 और इसका स्क्वायर √7 हो जाएगा, यानी कि ये जो है 7 आ गया। ठीक है, तो चलिए अब इसको जब 10 में बदलिएगा तो आ जाएगा 10 इनवर्स क्या होता है, 10 के लिए परपेंडिकुलर भाई बेस होता है ना, यानी कि परपेंडिकुलर 24 बट्टा बेस 7 जो कि RHS में लाना था, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का 8 का 9 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलिए अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए इसे इरेज करते हैं और देखते हैं कि 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए जो यहाँ 10 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है 9π/8 - 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 9π/8 को यहीं पे रखते हैं, 9π/8 इक्वल टू ये हो जाएगा 9/4
साइन इनवर्स 2√2/3, और माइनस में ना इधर आएगा इक्वल, किधर तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब देखिए हो जाएगा 9 पाई बाई 8 इक्वल टू, दोनों में 9/4 है ना, 9/4 कॉमन कर लीजिए तो आ जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। 9 से 9 कैंसिल, 4 से 4 2 8, 5/2 इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, मतलब कि अब हम लोग को करना क्या पड़ेगा इसमें, यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिए, ये आरएचएस से चलेंगे और ये पाई बाई टू प्रूफ कर देंगे तो हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए आरएचएस से चलते हैं। तो आरएचएस क्या है, साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, तो आपको याद भी होना चाहिए अब तक कि क्या होता है साइन इनवर्स। इसके लिए होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू, यानी कि 2√2/3 इंटू √1 - y² 1 - y की जगह 1/3 का स्क्वायर प्लस वाई इंटू, यानी कि 1/3 इंटू √1 - x², यानी कि 2√2/3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। तो चलिए यहाँ से करते हैं कुछ पार्ट्स को इरेज कर देते हैं, ये वाले पार्ट को इरेज करते हैं। अगर आप नोट कर देंगे तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पाई बाई टू लाना था हम लोग को एलएचएस की तरफ। चलिए चलते हैं यहाँ। तो साइन इनवर्स ये देखिए हो जाएगा 2√2/3 इंटू √, ये हो जाएगा 1 - 1/9 प्लस 1/3 इंटू, ये हो जाएगा √1 - 2² 4 और √2² 2, यानी 4 2 8/3² 9 हो गया। अब देखिए हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3 इंटू एलसीएम ले लीजिए 9 हो जाएगा, और 9 - 1 यानी कि 8 हो जाएगा प्लस 1/3 इंटू, यहाँ हो जाएगा √, एलसीएम लीजिए 9 और 9 1 9 - 8 यानी कि 1। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसे इरेज करते हैं। तो देखिए आ जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2√2/3 इंटू 8² √ निकालिएगा तो 2√2 आ जाएगा, और ये 9³ प्लस 1/3 इंटू, ये भी 1/3। तो देखिए हो जाएगा साइन इनवर्स, ये 2 2 4 2 8/9 प्लस ये हो जाएगा 1/9। तो देखिए हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स ये 9/9 हो जाएगा, यानी कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स 1। तो देखिए हो जाएगा साइन इनवर्स 1 किसके लिए होता है, तो साइन पाई बाई 2 का, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, यानी कि पाई बाई 2 जो कि हम लोग को एलएचएस में लाना था। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का 8 का 10 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए ये जो है हम लोग का लॉन्ग मेथड हो गया। चलिए इसको शॉर्ट मेथड अगर बता दें आपको, तो चलिए इसको भी बता देते हैं कि ये कैसे शॉर्ट मेथड से बनेगा। तो इसमें जो है देखिए यहाँ से अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो यहाँ से एलएचएस ले लीजिए 9π/8 - 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब दोनों में से क्या कॉमन है, 9/4 कॉमन है ना, तो 9/4 कॉमन कर लीजिए तो यह जाएगा π/2 - sin inverse 1/3। अब चलिए आगे, तो देखिए यहाँ हो जाएगा 9/4, और एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर निकाले कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू तो क्या आ जाएगा π/2 - sin inverse x। तो देखिए यहाँ दिख रहा है π/2 - sin inverse x, इसलिए क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा इंटू कॉस इनवर्स एक्स का पे 1/3। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग इस कॉस को टेन में क्या एक्स में लाना है, साइन में लाना है ना, तो साइन में बदल दीजिए। तो इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, इस एंगल के लिए चलते हैं। तो कॉस के लिए क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस हो गया 1, हाइपोटेनस हो गया 3, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा √3² - 1² तो 3² 9 - 1² 1 यानी कि 8 आ गया, 8√8 √2 यानी कि ये जो है वैल्यू आ गया इसका 2√2 आ गया। ठीक है, तो चलिए अब इसको बदल दीजिए साइन में, तो हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स, क्या होता है साइन के लिए क्या होता है, तो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि 2√2 परपेंडिकुलर 2√2 हाइपोटेनस 3, जो कि आर एच एस में हम लोग को लाना था। तो ये हुआ हम लोग का सेकेंड मेथड। चलिए इसे इरेज करते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है,
तो देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है हम लोग का, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर में लाना है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है ये लाना है हम लोगों को। तो चलिए करते हैं इसे सॉल्व, चलिए एलएचएस से चलते हैं। ठीक है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कॉस में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसके लिए, चलिए बनाते हैं इसके लिए। तो हो जाए देखिए एंगल हो गया ये जो है राइट हैंड ट्रायंगल हो गया। ठीक है तो साइन के लिए क्या होता है, यहाँ बटा में वन है ऐसा समझिए एक्स बाई वन है। ठीक है तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है एक्स, हाइपोटेनस वन हो गया। ठीक है तो बेस क्या हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस में बदल दिए इसको तो हो जाएगा कॉस इनवर्स बेस बाई हाइपोटेनस इनके अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो है बट्टा में वन आएगा तो उससे तो कोई डिफरेंट मतलब प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो यही हो गया प्लस। इसी तरह सिमिलरली इसी तरह कीजिएगा तो इसका भी यही हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब हम लोग चलेंगे आगे की तरफ। चलिए अब हम लोग कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई वाला फार्मूला क्या है, तो होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई यानी कि हो गया अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर यानी कि अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है तो देखिए हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस यहाँ स्क्वायर कीजिए तो क्या आ जाएगा रूट हट जाएगा यानी कि वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया इंटू इसी तरह यहाँ हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस ये हो जाएगा वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है अब चलिए आगे चलते हैं तो हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस वन और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है माइनस वन प्लस वन कैंसिल, यहाँ भी माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तब देखिए यहाँ से हो जाएगा हम लोग का कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर बचा ना तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स और फिर यहाँ भी अंडर रूट वाई स्क्वायर बचा तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट वाई यानी कि यही जो हम लोग को आरएचएस में लाना था जो कि प्रूफ हो गया। ठीक है तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 का 11 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलिए अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और देखते हैं कि 9 का फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है चलिए देखते हैं 9 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 9 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ है, 9 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 4 इंटू साइन इनवर्स 1 बाई रूट 10 प्लस कॉस इनवर्स 2 बाई रूट 5 इक्वल टू पाई लाना है। ठीक है तो चलिए इसे हम लोग प्रूफ करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। चलिए ये साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में दिया नहीं, दोनों को हम लोग 10 में चेंज करेंगे। ठीक है तो चलिए करते हैं। तो इसके लिए पहले राइट हैंड ट्रायंगल बना लें, तो देखिए हो जाएगा हम लोग का इस एंगल के लिए चलेंगे तो साइन के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेंस इनकी 1 ये हो गया अंडर रूट 10 तो बेस निकलिए तो हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेंस का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 यानी कि अंडर रूट 9 आ गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 यानी कि ये जो है 3 आ गया। एलएचएस से चलते हैं। ठीक है तो हो जाएगा 4 इंटू इसको 10 में बदले तो 10 वर्स क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस परपेंडिकुलर 1 बाई 3 प्लस फिर इसको अब इसके लिए चलते हैं तो ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस तो परपेंडिकुलर निकाल लीजिए तो हो जाएगा 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर यानी कि 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 5 माइनस 4 1 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। ठीक है तो ये हो गया। चलिए इसको 10 में बदले तो आ जाएगा 10 इनवर्स परपेंडिकुलर बाई बेस परपेंडिकुलर 1 1 बाई 2 हो गया। ये आपको बदलने आ जाना चाहिए अब तक। ठीक है तो ये हो गया हम लोग का।
अब चलिए इसको टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई वाले फॉर्मूला पे अप्लाई कर देते हैं। एलएचएस से चला जा रहा है ठीक है, या फिर इसे इरेज कर सकते हैं, पाई लाना है याद रखिएगा। देखिए हो जाएगा फोर इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी कि वन बाई थ्री डी प्लस वन बाई टू बट वन माइनस एक्स वाई वन माइनस वन बाई थ्री डी इंटू वन बाई टू। देखिए हो जाएगा फोर इंटू टेन इनवर्स यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो सिक्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टू प्लस थ्री बट्टा में यहाँ हो जाएगा वन माइनस, यहाँ डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, थ्री टू जो सिक्स हो जाएगा ना एलसीएम और ये सिक्स माइनस वन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा हम लोग का फोर टेन इनवर्स सिक्स से सिक्स कैंसिल कर देते हैं, थ्री टू फाइव और सिक्स में से वन माइनस हुआ तो फाइव, फाइव से फाइव कैंसिल। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा फोर टेन इनवर्स वन आ गया ना, फोर टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स वन किसके लिए होता है, पाई बाई फोर के लिए, आप डायरेक्ट यहाँ पाई बाई फोर रख सकते हैं, फोर से फोर कैंसिल कर दीजिए, पाई जो है आपका आर एच एस में लाना था जो कि आ गया ठीक है। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर नाइन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन ठीक है। चलिए इसे इरेज करते हैं और नाइन का सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि ये जो है कैसे सॉल्व होगा ठीक है। तो देखिए नाइन का जो सेकेंड नंबर फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, नाइन का सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स दिया हुआ है कॉस इंटू टू साइन इनवर्स एक्स बराबर में लाना है वन माइनस टू एक्स स्क्वायर ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से एल एच एस से चलते हैं, यह हुआ है कॉस टू साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप चाहे तो साइन इनवर्स एक्स को आप थीटा मान सकते हैं या टू साइन इनवर्स एक्स को भी आप थीटा मान सकते हैं ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है कि कैसे आपको सॉल्व करना है ठीक है। तो चलिए हम जैसे बोलिएगा वैसे कर सकते हैं, हमको तो कोई भी इजी लग रहा है, चलिए हम लेट करते हैं, लेट टू साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लेते हैं ठीक है। तो टू इधर मल्टीप्लाई इधर का डिवाइड हो गया यानी कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा साइन सॉरी थीटा बाई टू ना, टू मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो गया इधर हो गया साइन थीटा बाई टू एक्स का वैल्यू ठीक है। अब चलते हैं एल एच एस से, तो एल एच एस में क्या दिया हुआ है कॉस और टू साइन इनवर्स एक्स को क्या मैंने थीटा, तो हो जाएगा कॉस थीटा। अब आप इलेवेंथ में फॉर्मूला पढ़ेंगे कॉस थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, या आप डायरेक्ट इसको बता दें कॉस थीटा बराबर होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होता है ठीक है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू ही होता है ठीक है। चलिए यहाँ रख दीजिए वैल्यू वन माइनस टू साइन थीटा बाई टू के लिए क्या है एक्स, तो यहाँ स्क्वायर हो रहा तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर कर दिया जाएंगे वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, यह जो हम लोग का क्या है आर एच एस में लाना था ठीक है। तो ये हुआ हम लोग का नाइन का सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलिए अब इसे इरेज करते हैं और नाइन का थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं कि वो क्या दिया हुआ है। नाइन का थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस इनटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स ठीक है। तो एक फॉर्मूला आता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू होता है, चलिए अब यहाँ पाई बाई टू रख देंगे तो हो जाएगा कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू का वैल्यू मालूम होना चाहिए कि जीरो होता है जो कि आर एच एस में हम लोग को लाना था। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसे इरेज करके फोर नंबर क्वेश्चन की तरफ ठीक है। नाइन का फोर ही देख लेते हैं कि नाइन का फोर कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए भाई नाइन का जो फोर नंबर क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। देखिए ये दिया हुआ है वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स बराबर दिया हुआ है साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स बाई टू बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा वन प्लस एक्स ठीक है। ये दिया हुआ है ये सभी से, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि ये सभी से ये इससे इससे और इससे तीनों से हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे और ये एल एच एस जो पार्ट दिया हुआ है इसको लाते चलेंगे ठीक है। अगर तीनों में यही पार्ट आता गया तो चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, पहले यहाँ लेट कर लेते हैं एक्स बराबर हम लोग इसमें पुट करेंगे कॉस थीटा ठीक है, एक्स बराबर कॉस थीटा रखना पड़ेगा हम लोग को ठीक है। तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स ठीक है। अब चलिए अब हम लोग चलिए इसको लेते हैं पहले, तो देखिए हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स बाई टू, चलिए इसमें रखते हैं तो हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स के पे कॉस थीटा बटा टू
तो आ गया साइन इनवर्स, वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होता है, तो देखिए हो जाएगा अंडर रूट टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये बटा का टू, टू से टू कैंसिल हो गया, तो देखिए आ गया साइन इनवर्स, और साइन स्क्वायर थीटा बाई टू का स्क्वायर रूट साइन थीटा बाई टू हो जाएगा, साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा तो हम लोग का क्या आ जाएगा थीटा बाई टू, यानी कि अब यहाँ से हो जाएगा ना हम लोग का वन बाई टू, और थीटा के जहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि वन बाई टू इंटू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है आ गया। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं इससे सॉल्व करते हैं, कॉस इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स बाई टू, इसमें भी एक्स के कॉस थीटा रखेंगे तो आ जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स के पे कॉस थीटा बटा टू, देखिए हो जाएगा कॉस इनवर्स वन प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो हो गया टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और बटा का टू, टू से टू कैंसिल, देखिए हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा बाई टू, यहाँ बच जाएगा हम लोग का थीटा बाई टू, कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा थीटा बाई टू आ जाएगा, ठीक है वन बाई टू, और थीटा का वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स एक्स है, तो वन बाई टू इंटू कॉस इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। अब बच गया केवल ये, तो चलिए इसे इरेज करते हैं और उससे हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कि वो जो है आ रहा है हम लोग का या नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए दोनों में वैल्यू जो है सेम आया हुआ है, वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ भी वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स आया हुआ है, चलिए इसे इरेज कर देते हैं, नोट करते हैं तो वीडियो पॉज करके आप नोट करते चलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ देखिए ये दिया हुआ है टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा वन प्लस एक्स, चलिए रखते हैं वैल्यू, तो देखिए हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स पे कॉस थीटा रखना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बट्टा वन प्लस कॉस थीटा हो गया, ठीक है। देखिए हो जाएगा टेन इनवर्स वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट साइन थीटा हो जाएगा, बट्टा में आ गया वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है। देखिए हो जाएगा टेन इनवर्स साइन थीटा बाई फॉर्मूला आप इलेवेंथ में पढ़े होंगे, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, तो देखिए हो जाएगा टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, और वन प्लस कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला इलेवेंथ में पढ़े होंगे टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, टू से टू कैंसिल, एक कॉस थीटा बाई टू से एक कॉस थीटा बाई टू कैंसिल, टेन इनवर्स ऊपर में बच गया साइन नीचे में कॉस, यानी कि टेन साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो यहाँ थीटा के जगह पर थीटा बाई टू है, तो हो गया टेन थीटा बाई टू, टेन से टेन इनवर्स हट जाएगा थीटा बाई टू आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा वन बाई टू, और थीटा का वैल्यू क्या है, तो थीटा का वैल्यू है कॉस इनवर्स एक्स, तो हो गया वन बाई टू इंटू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, जो कि लाना था। तो फ्रेंड्स ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 का 4 का सोल्यूशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।